तो गाइस कुछ गिफ्ट दिखाने रह गए थे, वो अभी आप लोगों को फिर से दिखाए जाएंगे। तो इसे सामान को बेड पे रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये वो सामान है जिसका सामान दिखाना रह गया था ब्लॉग में, वो दिखाऊंगी। और उधर ना फ़ोन रखा हुआ है, ब्लॉग चल रहा है मेरा, वो भी बिरजू देख रहे थे। फिर वो अब्दुल रजा का ट्यूशन टाइम हो गया था तो वो उसे छोड़ने चले गए। तो अभी दिखाती हूँ, कैमरा सेट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तक कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग होंगे बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा था कि मुझे आनिया ने और भाभी ने गिफ्ट दिया था, भाभी ने भिजवाया था। मतलब भाभी आई थी तो हम लोग बाहर गए हुए थे, गए तो डिनर पे थे, पर बच्चों ने कहा कि हमें डिनर नहीं करना है, हमें फास्ट फूड खाना है। तो वो जो था उन मतलब मैं आप लोगों को सही से नहीं दिखा पाई, देखा तो था आप लोगों ने पर सही से नहीं दिखा था। वो वही सामान दिखाऊंगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे जगह कैसे चेंज हो गई, उधर लाइट चली गई है, मैं इधर आ गई हूँ। और सुबह से सोच रही हूँ कि अब बनाऊँ अब बनाऊँ अब बनाऊँ। अब इतनी मुश्किल से ना बच्चे ट्यूशन गए थे, अब सुकून मिला था ना, मैंने कहा अब बनाऊँगी तो लाइट चली गई। इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, बस पूछो। तो मैंने कहा चलो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मतलब उसमें इन्वर्टर है लेकिन लाइटिंग कम है। इसमें थोड़ा ये है ना, ये रूम छोटा है तो लाइट थोड़ा सही है, और फ्रंट की भी रोशनी आ रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सही आ रहा है यहाँ पे, तो अब इसलिए बना रही हूँ। और आप लोगों को मतलब जो सामान है वो दिखा रही हूँ, वो कैसा लगेगा वो भी बताना है। पर पहले दिखा तो देती हूँ ना कैसा लगेगा, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो लाइट भी आ गई है, लेकिन बस अब मैं इधर उधर नहीं कर रही, वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है और दिमाग ख़राब होगा। और ये पहले आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी देवरानी ने दिया है मुझे, हीट सेट है ये, अच्छा है काफ़ी। तो ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो अब दिखा रही हूँ आप लोगों को। वो मेरी देवरानी ने दिया था तो मैंने आपको दिखा दिया है। और बिरजू ना बीच में मेरे लिए अखरोट छील के गए थे, वही खा रही थी मैं, अभी रुक गई हूँ। मतलब मैंने कहा पहले ब्लॉग बना लेती। और ये ना कंगन है, ये मुझे असना ने दिए हैं, असना ने दिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जब पहनूंगी तो पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छे लग रहे हैं, ये दी है मेरी असना ने। मेरी है यार, देखो हमारे घर में माशाल्लाह चार बेटियां हैं, नहीं सॉरी पांच हैं। अब हमारे बेटे हैं, लेकिन हमारी जेठानी की बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, असना, आनिया, अरीबा, इनाया और राजिया, ये हैं। और राजिया सबसे छोटी है, इसलिए उसके ज़्यादा नखरे हैं, उसके लाड़ उठाए जाते हैं। आपको पता है ना कैसे आती है वो। उसका मैंने खैर ऐसे ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन बहुत ना वो हवजत आती है, बड़ी मम्मा बड़ी मम्मा बड़ी मम्मा ये कर दो, बड़ी मम्मा वो कर दो, और ज़िद करती है कि करो। मैं उस पर गुस्सा करती हूँ ना, बात मानती है मेरी, लेकिन ज़िद बहुत करती है कि ये कर दो वो कर दो, ये दे दो वो दे दो, करती है। तो ये था बेटियों का सामान, नहीं अभी आनिया का है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये तो आप लोगों ने देखा था ना, ये है कुर्ते पजामे का कपड़ा, ये भेजा मेरी बड़ी वाली जेठानी ने, मतलब। और ये भाभी ने सूट भेजा था, ये आपने ब्लॉग में देखा होगा। पर मैंने कहा देखो जब मैंने सबका बोला था तो भाभी का भी, भाभी के भी उसका गिफ्ट का भी ब्लॉग बनाना था, तो ये भाभी ने भेजा है। और दिल से शुक्रिया, भाभी का ब्लॉग देखेंगी तो खुश, मतलब उन्हें खुशी होगी कि हाँ मुझे पसंद आया, मुझे सच में बहुत पसंद आया ये सूट, गर्म सूट है। और अब तो वैसे भी सर्दी आ रही है तो काम आएगा, और अल्लाह ताला यूं ही हमारे बीच प्यार बनाए रखे, भाई भाभी को, उनके बच्चों को, उनकी बेटी को, सबको, पूरी दुनिया, पूरी कायनात को, पूरे कुल जहान को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और नेक और दीनदार बनाए। आजकल ये बहुत ज़रूरी है, मतलब दीनदारी होना, नेक होना, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए, और यही प्यार मोहब्बत सबके घरों में बनाए रखे। तो ये था भाभी का दिया हुआ गिफ्ट, और भाभी के लिए स्पेशली क्या करूँ बस। अब कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएगा। अब है आनिया का नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, लेकिन देखते हैं। आनिया का सामान आपने देख लिया था, आनिया मेरे लिए चूड़ी लाई थी, और आनिया ने ना मतलब बहुत मेहनत करी है मुझे गिफ्ट देने के लिए,
ये देखो, ये अपने हाथों से बनाया है उसने। इसमें वो मेरे लिए, इसमें मतलब सारा सामान ना रख के लाई थी। इसमें मैंने निकाल लिया और रबर बैंड तो मैंने यूज भी कर लिया था। तो चीजें छोटी हैं लेकिन उनकी वो जो है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, मुझे नहीं आ रहा समझ में, जो भी बोलेंगे, लेकिन दिल में है वो बात, मतलब मुझे बोलनी नहीं आ रही, मैं ऐसी ही हूँ। चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इनकी कीमत बहुत है, इनमें बहुत प्यार छुपा हुआ है। और ये देखो, ये क्लेचर, और ये सॉक्स, वो जोड़ी, और ये हिजाब। ये आपने देख लिया था लेकिन उस टाइम मैं थकी भी आई थी, तो मैंने कहा फिर ब्लॉग बहुत बड़ा भी हो जाता, तो मैंने कहा चलो ये हिजाब है। और एक रबर बैंड दिया था, वो मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा, ये तो मैं दिखाने ही भूल गई थी। ये देखो, ये आनिया ने अपने हाथों से बनाया है, देख रहे हैं आप। ये देखो, आर एन रईस एंड नरगिस। तो इसमें बहुत टाइम लगा आनिया को इतने प्यार से अपने हाथों से बनाया। एक होता है ना गिफ्ट, बाजार गए लिया है, ये जो चीज हाथों से बनी होती है ना, वो दिल को छू लेती है। और आपको दिखाने की वजह से ना, मैंने सूट नहीं सिलवाया था। मैं कल ना चली गई थी सूट लेके टेलर के, फिर वापस आ गई। मैंने कहा अरे यार, मैंने तो अभी इसका ब्लॉग ही नहीं बनाया, मुझे ब्लॉग बनाना है। मैं वापस लेके आ गई, मैंने कहा चलो बाद में दूंगी, पहले ब्लॉग में अच्छे से दिखा देती हूँ। कि वो तो आप लोगों ने खैर देख लिया था, पर मुझे बताना था। मैंने कहा चलो बता देती हूँ कि ये सूट मेरी बड़ी वाली जेठानी ने दिया है उन्होंने। और वो मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था ना, उन्होंने पिछले साल मुझे वो वाला सूट दिया था, बैक वाला, जो मैंने उस दिन पहना था जिसमें मुझे गर्मी लगी थी। वो मैंने शायद 3-4 दिन पहले ब्लॉग डाला था, वो आप लोगों ने देखा होगा। और अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो आप लोग सोच रहे हैं अचानक से जगह कैसे चेंज हो गई। मुझे ना वहाँ गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पसीने आ रहे हैं, तो मैं इधर आ गई क्योंकि अब लाइट आ चुकी है। लाइट तो उसी टाइम आ गई थी खैर, पर मैंने कहा बार बार अंदर बाहर क्या करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, मैं ना रात से सोच रही, रात सोच रही थी, तो रात मतलब बाहर ना बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, तो बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी नहीं बनाती हूँ, लेट जाती हूँ। मैं लेट गई, सुबह से सोच रही हूँ कि अब बनाओ अब बनाओ। तो आज बच्चे घर में थे, आज ऐसा हुआ कि रात मतलब मैंने दवाई खाई, फीवर सा फील हो रहा था तो मैंने खा ली, और मुझे ऐसी नींद आई ना, मैं सुबह उठ ही नहीं पाई। बच्चे आज स्कूल नहीं गए, मुझे मतलब थोड़ा अपने ऊपर गुस्सा हो रहा था, ऐसे कि बस ऐसा मन करता है ना दीवार में सर फोड़ने वाला। मैंने कहा इतना गुस्सा आ रहा, मैंने कहा यार बताओ। मैं रात डिसाइड करके लेटी थी कि बच्चों को ना टिफिन में मैक्रोनी दूंगी, लेकिन नहीं उठ पाई मैं। और मेरी जिठानी ने फ़ोन भी करा, भाभी ने मुझे 8 बजे, कह रही कि उठी नहीं। मैंने कहा अरे भाभी मुझे पहले फ़ोन करके बता देते तो मैं उठ जाती, 7 बजे भी उठा देते। मैंने कहा आज से उनका 8 बजे का स्कूल है, मैंने कहा भेज देती टिफिन बना के, मैं बाद में भेज देती। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं उठी हुई हूँ, लेकिन फिर ये बच्चे सारे साथ में जाते ना, उन्होंने इसलिए कॉल करी। तो इतना गुस्सा आ रहा था, फिर बच्चे घर में थे तो मैंने कहा अब क्या ब्लॉग बनाऊँ, मतलब नहीं हो पाता ना बच्चों के सामने। तो मैंने कहा चलो फिर, अब बच्चे मैंने कहा चलो पढ़ने चले गए हैं सिपारा, तो वो जैसे ही मैंने सब कुछ सेट करके रखा तो वो फिर आगे कह रहा ट्यूशन का टाइम हो गया पापा ट्यूशन छोड़ दो। तो वो फिर ट्यूशन छोड़ने गए, फिर मैंने सेट करा, मैंने कहा चलो अब बनाती हूँ, तो फिर वो लाइट चली गई। अब फिर जब लाइट चली गई तो अब मुझे गुस्सा आ रहा, तो बिरजू ने कहा उधर बैठ के बना ले। अब मैं उधर गई तो मुझे गर्मी लग रही है, मैं इधर आ गई हूँ, देखो ना मेरे साथ कितना कुछ हो रहा है। अब ब्लॉग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।